कांग्रेस के पास विकास का कोई विजन नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज ने किया पलटवार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में 230 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। इस बीच कांग्रेस और भाजपा लगातार प्रदेश का दौरा कर जनता के भरोसे को जीतने की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं चुनाव प्रचार के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस पर लगातार हमला कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी किसान मुद्दा छेड़ भाजपा की गलतियां गिना रही है। बता दें कि बीजेपी ने अब तक मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 में से 78 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 30 सितंबर को इंदौर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास राज्य के विकास के लिए कोई दृष्टिकोण नहीं है। प्रदेश की जनता से सवाल करते हुए सीएम शिवराज ने कहा, मैं प्रदेश की जनता से पूछना चाहता हूं कि इंदौर में जितना विकास कार्य बीजेपी सरकार ने किया उतना कांग्रेस ने अपने शासन काल में नहीं किया। कांग्रेस के पास विकास का कोई विजन नहीं है। पिछली कांग्रेस सरकारों में पैसा नहीं था, लेकिन आज विकास कार्यों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। जनसभा को संबोधित करने से पहले सीएम चौहान ने इंदौर में मेट्रो रेल के पहले चरण की ट्रायल प्रक्रिया का उद्घाटन किया। एक्स पूर्व में ट्विटर पर सीएम शिवराज ने लिखा, आज मेरा दिल खुश है, हमारा इंदौर एक नए चरण में प्रवेश कर गया है। इंदौर वासियों, मेट्रो तो बस शुरुआत है, अब हम सब मिलकर इंदौर को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों में से एक बनाएंगे। अब इंदौर के विकास की गति कम होने वाली नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी शनिवार को चुनावी राज्य मध्य प्रदेश के शाजापुर में एक रैली को संबोधित किया। राहुल ने भी भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में इसकी सरकार भ्रष्टाचार का केंद्र है और किसानों को उनकी फसलों के लिए उचित कीमत नहीं दे रही है। राहुल गांधी ने प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज सरकार ने जाति जनगणना के आंकड़े जारी नहीं किए हैं और केंद्र सरकार के सचिव स्तर पर ओबीसी का बहुत कम प्रतिनिधित्व है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की राज्य सरकारें गरीबों के लिए काम करती हैं और लोगों से किए गए वादे निभाती हैं। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश सरकार किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं दे रही है। छत्तीसगढ़ के किसानों से जाकर पूछिए कि उन्हें धान की फसल का कितना पैसा मिलता है। हमने जो वादा किया उसे पूरा किया। भारत के इतिहास में पहली बार किसान टैक्स दे रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, उन्होंने जीएसटी लागू किया, हमारी सरकार गरीबों और किसानों के लिए काम करती है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।